रियलमी एक्स अभी चाइना में लॉन्च हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 15,500 रुपए का। और ये कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इस प्राइस रेंज में रियलमी ने खुद से ही टक्कर लिया है रियलमी 3 प्रो से। मैं हूं द नो गेमर हिंदी में। रियलमी एक्स के चाइना लॉन्च के साथ ही ये कन्फर्म हो गया था कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है और चाइना में इसकी प्राइस है 15,500 रुपए के आसपास, जो कि 4GB 64GB वाले वेरिएंट की है। और इस फोन में कोई भी नॉच या बेजल नहीं है और सामने की तरफ है सिर्फ एक स्क्रीन 6.5 इंच का एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में, और इसी वजह से इसको मिलता है 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। Realme 3 Pro में ये रेशियो है 90.8%, क्योंकि इसके अंदर भी बेजल नहीं है पर एक छोटा सा नॉच है और इसलिए इसका स्क्रीन का साइज भी कम है 6.3 इंचेस। लेकिन एक बड़ा फर्क जो यहाँ पे है वो है एमोलेड वर्सेस IPS। Realme X में एमोलेड डिस्प्ले है और Realme 3 Pro में है LCD IPS डिस्प्ले, जो कि सस्ता है एमोलेड। दोनों की बैक साइड का डिज़ाइन एकदम बराबर है और दोनों में मिलता है आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक। दोनों की बैक प्लास्टिक की है जिसके ऊपर एक ग्लास जैसी फिनिश करके लगता है कि वो ग्लास की है लेकिन वो है नहीं, और जल्दी स्क्रैच हो जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क इन दोनों फोन्स में ये है कि Realme 3 Pro के अंदर है एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और Realme X में है एक 6th generation इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है लेकिन फिजिकल से थोड़ा सा स्लो काम करता है। दोनों ही फोन्स में है स्नैपड्रैगन 710 CPU और दोनों ही फोन्स में एक कमाल का फीचर है हाइपर बूस्ट 2.0। ये फीचर है गेमर्स के लिए क्योंकि ये गेम की फ्रेम रेट बहुत अच्छी कर देता है और फ्रेम रेट में 38% तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इसलिए दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस एकदम बराबर है। अब Realme X में है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और उसी के साथ में है एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जो पॉपअप वाला फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे जो Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा है वो है 25 मेगापिक्सल का, जो कि Realme X से अच्छा है, और बैक में है 16+5। दोनों ही फोन्स में एंड्रॉयड 9 पाई है और कलर OS 6 है, जो कि लेटेस्ट है, और दोनों ही फोन्स के अंदर है वूक 3.0 चार्जिंग, लेकिन बस पोर्ट का फर्क है। Realme 3 Pro में है कन्वेंशनल USB पोर्ट और Realme X में है USB-C पोर्ट। दोनों की बैटरीज के अंदर भी थोड़ा फर्क है। Realme 3 Pro में है ज़्यादा बड़ी बैटरी, जो कि है 4045 mAh की बैटरी, Realme X में है 3765 mAh की थोड़ी छोटी बैटरी। तो अब देखा जाए तो Realme X मेजरली 4 चीज़ों में Realme 3 Pro से बढ़िया है, जो कि है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, स्क्रीन का टाइप, फिंगरप्रिंट स्कैनर और रियर प्राइमरी कैमरा। Realme 3 Pro में है एक बड़ी बैटरी और एक अच्छा फ्रंट कैमरा। पॉपअप का जो फीचर है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को वो पसंद है किसी को वो पसंद नहीं है, तो इसको मैं ये कोई प्रो या कॉन नहीं मानूंगा। और तुम बताओ यार तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा इन दोनों फोन्स के अंदर, और बाकी सब कुछ मैंने क्लियर कर ही दिया है। जय हिंद।